नेक्स्ट क्लास जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो है बेसिडियोमाइसिटिस एंड फिर हम पढ़ेंगे यूट्रोमाइसिटिस के बारे में, बहुत ही छोटा सा कंटेंट। अभी तक हमने पढ़ा है फाइकोमाइसिटिस एंड एस्कोमाइसिटिस, जिसमें से कि फाइकोमाइसिटिस अगर नॉर्मल कैरेक्टर अगर उनका पूछा जाए तो फाइकोमाइसिटिस जिसमें जो माइसीलियम होता है वो एसेप्टेट होता है, दैट मीन्स सेप्टा जिसको हिंदी में पट बोलते हैं वो मौजूद नहीं होता है और एक सेल्स के अंदर मल्टीपल न्यूक्लियस मौजूद होते हैं। अगर हम बात करें एस्कोमाइसिटिस की तो इसको हम सैक फंगस भी बोलते हैं एंड इसको इसके अंतर्गत आने वाले मैंने आपको फंगस का नाम बताया था पेनिसिलियम एंड न्यूरोस्पोरा टू मोस्ट इंपॉर्टेंट फंगस है। अब बात करते हैं बेसिडियोमाइसिटिस की। बेसिडियोमाइसिटिस सिमिलर वे एस्कोमाइसिटिस की तरह ही इनमें भी जो माइसीलियम होता है वो ब्रांच और सेप्टेट होता है, बिल्कुल ऐसे ही। इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है इसमें रिप्रोडक्शन में एक खास बात यह होती है कि इसके रिप्रोडक्शन में एसेक्सुअल स्पोर्स नहीं बनते हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो आपको अगर याद होगा तो फाइकोमाइसिटिस के अंतर्गत जो एसेक्सुअल स्पोर्स जो बने थे वो दो कौन से थे, एप्लैनोस्पोर थे और ज़ूस्पोर थे। बात करें एस्कोमाइसिटिस के अंतर्गत तो एस्कोमाइसिटिस के अंतर्गत जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ उसमें जो स्पोर का फॉर्मेशन हुआ वो जो स्पोर्स बने थे वो स्पोर्स कैसे बने थे, कोनिडिया बने थे। बेसिडियोमाइसिटिस के अंतर्गत एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है तो इसलिए किसी भी तरह के स्पोर्स का फॉर्मेशन यहाँ नहीं देखने को मिलता है। इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किस तरह से, फ्रेगमेंटेशन के रूप में। फ्रेगमेंटेशन मतलब ये जो माइसीलियम आपको दिख रही है ये छोटे छोटे, जैसे मान लो ये माइसीलियम है ये छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाता है, मान लो ये चार पार्ट्स में टूट गया तो हर एक पार्ट से क्या होगा, एक न्यू माइसीलियम ग्रो कर जाएगा, दिस इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें किसी भी तरह के कोई सेक्स ऑर्गन्स का फॉर्मेशन नहीं होता है लेकिन इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्रिया होती है। वो क्रिया किस तरह से होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्रिया होने के लिए दो जो दो जो सेल्स होंगे सेल्स के एक दूसरे के समीप आएंगे, समीप आने के बाद उनके जो जीव द्रव्य होंगे वो एक कोशिका के अंदर हो जाएंगे और लेकिन अभी भी केंद्रक का फ्यूजन नहीं होगा। इस तरह की प्रक्रिया को हम बोलते हैं प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी मैंने आपको पहले भी बताया है जिसमें कि प्रोटोप्लाज्म का तो फ्यूजन होता है बट न्यूक्लियस का, केंद्रक का फ्यूजन नहीं होता है, ठीक। इस तरह की जो संरचना होती है उसको हम बोलते हैं डाइकैरियन। कैरियन दैट मीन्स केंद्रक और डाई मतलब दो, यहाँ पे हमको दो केंद्रक दिखाई देते हैं। डाइकैरियन आगे चल के बनाएगा बेसिडियम, ठीक। और जो बेसिडियम होगा ये किसमें अरेंज होगा, बेसिडियोकार्प में अरेंज होगा। जैसे आपने देखा पहले एस्कोकार्प जो कि फ्रूटिंग बॉडी थी एस्कोमाइसिटिस में, उसी तरह से इसमें जो फ्रूटिंग बॉडी होती है उसका नाम होता है बेसिडियोकार्प। तो ये जो इस तरह की संरचना होगी बेसिडियोकार्प इसमें बहुत सारे बेसिडियम मौजूद रहेंगे, इसमें बहुत सारे क्या रहेंगे, बेसिडियम मौजूद रहेंगे और हर बेसिडियम के अंदर दो दो न्यूक्लियस उपस्थित रहेंगे, टू टू न्यूक्लियस। इस अवस्था को हम बोलेंगे डाइकैरियन, मतलब इसमें अभी तक केंद्रक का फ्यूजन नहीं हुआ है। फिर कुछ टाइम बाद कैरियोकैरी होती है, दैट मीन्स ये जो केंद्रक है ये आपस में फ्यूज करके एक केंद्रक का फॉर्मेशन कर लेते हैं, दैट मीन्स इसमें डिप्लॉयड अवस्था आ जाती है, एक केंद्रक का फॉर्मेशन ये कर लेते हैं तो इसको हम बोलते हैं कैरियोगैमी। नेक्स्ट इसमें होता है मियोसिस। मियोसिस मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था कि मियोसिस में, दैट मीन्स मतलब ये एक सेल है, मियोसिस में जब एक कोशिका डिवाइड करती है तो उससे फोर सेल्स का फॉर्मेशन होता है तो वो जो फोर सेल्स बनते हैं उसको हम बोलते हैं स्पोर। और ये जो स्पोर होते हैं इसको बोलते हैं बेसिडियो स्पोर, बिकॉज हम बेसिडियोमाइसिटिस पढ़ रहे हैं तो बेसिडियोमाइसिटिस के अंतर्गत जिस स्पोर का फॉर्मेशन होगा उसको हम बोलेंगे बेसिडियो स्पोर। ये जो स्पोर्स होते हैं वो एक्सोजीनसली डेवलप करते हैं, ये जो स्पोर्स होते हैं वो एक्सोजीनसली मतलब बहिर्जात रूप से ये डेवलप करते हैं। अब इसके कुछ हम एग्जांपल्स को देख लेते हैं कि बेसिडियोमाइसिटिस के अंतर्गत हम कौन कौन से फंगस का अध्ययन करते हैं तो ट्रिक है आज भी उससे परे
छोटा भाई या छोटा बहन जो कि आपको मतलब पढ़ने नहीं दे रहा है और आप उससे बहुत डिस्टर्ब हो, परेशान हो, तो आप क्या बोलोगे? आज मैं उससे परेशान हूँ। बहुत ही सिंपल हिंदी लैंग्वेज लाइन लिखी हुई है, तो जिसमें ए फॉर एगेरिकस मशरूम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग उससे परिचित होंगे और बहुत लोग उसको खाते भी होंगे। क्यों हम खाते हैं मशरूम को? क्योंकि मशरूम उसमें प्रोटीन का कंटेंट काफ़ी हाई होता है, तो मशरूम को हम बोलते हैं एगेरिकस। मशरूम को बोला जाता है इन द साइंटिफिक लैंग्वेज में एगेरिकस। उससे मतलब उससे पू को पकड़ो, यूस्टेल्गो। यूस्टेल्गो नामक जो फंगस होता है उससे स्मट नामक डिजीज होता है पौधों में। परेशान से पौ पकड़ो, टिक्सुनिया। टिक्सुनिया नामक जो फंगस है उससे रस्ट नामक डिजीज होता है। तो इस तरह से आप इस चीज को याद रख सकते हो, क्योंकि मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि एग्जाम्पल्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। मतलब एग्जाम्पल्स आपको याद रखने ही रखने हैं, क्योंकि एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद में लास्ट जो क्लास है ट्यूटरोमाइसिटीज। ट्यूटरोमाइसिटीज को इनपरफेक्ट फंजाई या इनकम्प्लीट फंजाई भी बोला जाता है। इनपरफेक्ट फंजाई या इनकम्प्लीट फंजाई इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। मैं अपने लाइन को फिर से रिपीट करती हूँ कि ड्यूटरोमाइसिटीज फंगस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। दैट्स वाई इसको इनपरफेक्ट क्लास बोला जाता है। तो आपसे अगर क्वेश्चन में आए कि चारों क्लास में से फाइब्रोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, उसके बाद बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूटरोमाइसिटीज में इनपरफेक्ट फंजाई कौन सा है, तो वो है ड्यूटरोमाइसिटीज। क्यों ड्यूटरोमाइसिटीज इनपरफेक्ट फंगस का ग्रुप है? क्योंकि उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है। इसके बाद इसमें सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जा सॉरी इसमें सिर्फ और सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, और वो होता है कोनिडिया के द्वारा। इसके एग्जांपल्स हैं अल्टरनेरिया, क्लॉस्ट्रिडियम एंड ट्राइकोडर्मा। अल्टरनेरिया, क्लॉस्ट्रिडियम, ट्राइकोडर्मा, इसका ट्रिक आप खुद बनाना। अल्टरनेरिया, क्लॉस्ट्रिडियम, ट्राइकोडर्मा, ये ड्यूटरोमाइसिटीज के अंतर्गत आने वाले फंगस हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहती हूँ कि ड्यूटरोमाइसिटीज के अंतर्गत हम उन फंगस को रखते हैं जिन फंगस का हमको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का स्टेज नहीं पता है। लेकिन जैसे ही इस फंगस का हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का स्टेज पता चलता है, इस फंगस को हम या तो उस फंगस को उठा के हम वहाँ से या तो हम उसका क्लासिफिकेशन बेसिडियोमाइसिटीज के अंतर्गत कर देते हैं या एस्कोमाइसिटीज के अंतर्गत कर दिया जाता है। लेकिन जब तक उसके हमको सारे मतलब सारे रिप्रोडक्टिव स्टेजेस जब तक हमको पता नहीं रहते हैं, स्पेशली सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव वाला स्टेज, तो उसको हम ड्यूटरोमाइसिटीज के अंतर्गत वैसे फंगस को रखे जाते हैं। तो आई होप आपको पूरा फंगस समझ में आया होगा। यहाँ पे जो फंगस टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। लास्ट में बचा हुआ है वायरस, वायरॉइड्स, प्रियॉन्स एंड लाइके। तो इन चारों के बारे में मोस्ट प्रोबेबली एक वीडियो में या दो वीडियो में जो रेस्ट टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा।